अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्ला इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है और पैगंबर। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तीनों को। मेरा नाम आपका नाम क्या है भाई साहब? अभी फिलहाल क्या था? फिलहाल में मेरा राजेश कुमार। राजेश कुमार है आपका नाम? राजेश कुमार था। अभी जहन में जो नाम आ रहा है वो है बिलाल। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। अच्छा एक और मेरा सवाल है, मेरे हाथ के ऊपर एक हनुमान का चित्र है। जी हाँ। वो अगर रहेगा तो मेरा नमाज होगा या नहीं? आप उस चित्र में मानते कि भगवान है वो? नहीं। आप नहीं मानते? अगर आप नहीं मानते तो कोशिश करो कि उसको निकाले। अगर नहीं निकल सकता है अपने जहालत में कि अल्लाह ताला अभी आपको माफ करेगा। अगर आप जहालत में किए अभी उसको नहीं मानते कि वो ईश्वर है, निकाल सकते निकालो। अभी एडवांस सर्जरी भी हो चुकी है, मैं डॉक्टर हूँ, निकालना बहुत आसान है, टैटू कैन बी रिमूव, तो निकाल दीजिए बेहतर है आपके लिए। अगर नहीं निकलता है तो अल्लाह ताला आपको दोषी नहीं ठहराएगा। जी हाँ भाई साहब। एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जी आखिरी सवाल। जब तक मेरी बीबी मुसलमान नहीं बनती है तो तब तक मैं रह सकता हूँ कि नहीं? आप कोशिश करो उनको दावत दे, आपकी बीवी को मुसलमान होना फर्ज है, आप दावत दे और हम दुआ करते हैं कि आपकी दावत पे लब्बे करे आपकी बीवी। हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, इंशाल्लाह जन्नत दे और आपके घर वालों को, आपके वालदैन, आपके भाई बहन को इंशाल्लाह हिदायत दे। वाखर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उस भाई को दावत देता हूँ जो कुरान शरीफ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और इस्लाम के करीब आना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों पर वो यकीन भी रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब के हाथों हिंदी कुरान शरीफ ले लें। वो सब आए स्टेज पर और मैं रिक्वेस्ट करूँ और कुरान मजीद लेके आइए। वो डॉक्टर साहब के हाथों हिंदी और दूसरी जबानों में कुरान शरीफ लेंगे। मेरी गुजारिश है उन तमाम भाइयों से जिन लोगों ने आज इस्लाम कबूल किया है, वो सब नौ मुस्लिम भाई आए स्टेज पर और डॉक्टर जाकिर नायक के हाथों हिंदी में या और दूसरी जबानों में जिसमें वो कुरान को समझ सकते और पढ़ सकते हैं लेकर जाएं। हम दुआ करते हैं इन भाइयों के लिए कि अल्लाह ईमान के रास्ते में और इस्लाम के रास्ते में इनके कदमों को अल्लाह जमा दे, इनके घर वालों को हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके लिए उन लोगों को ज़खीरे आखिरत बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशनुमा और बेहतरीन मंज़र है। फरिश्ते रश्क करते होंगे हमारे इस मंज़र पर और ज़ाहिर बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के ताउन से